मध्य प्रदेश के नीमच में मानव तस्करी का सनसनीकेज मामला सामने आया। नयागांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी के कब्जे से एक नाबालिग लड़की को बरामद कर पिकअप सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल नीमच जिले की नयागांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक दूध बेचने की पिकअप में एक लड़की को राजस्थान की ओर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस ने नयागांव CCI चौराहे पर नाकाबंदी कर पिकअप को रोका गया, जिसमें एक नाबालिग लड़की को बरामद कर आरोपी रमेश पिता हरिराम गुर्जर निवासी चंद्रपुरा थाना रामपुरा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की को आरोपी द्वारा जिरन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चल्दू के बाछड़ा कम्युनिटी के डेरों से करीब 1,30,000 रुपए में खरीदा था और राजस्थान देह व्यापार के लिए ले जाया जा रहा था। नए गांव जो चौकी है वो थाना जावत के अंतर्गत आती है। वहाँ कल एक मेटाडोर जो था पिकअप गाड़ी में, जब वो चेकिंग पुलिस की चल रही थी उसमें एक लड़की नाबालिग थी। जब उससे पूछताछ की गई तो वो लड़की जो है यहाँ हमारा जो चल्दू पड़ता है थाना जीरन में, वहाँ बाछड़ा कम्युनिटी की थी। और ये इसका ये जो ले जा रहा था वो एक गुर्जर था, परमेश पिता हरिराम गुर्जर। तो ये जब काफ़ी गहन पूछताछ करने पर ये इसमें आया कि ये लड़की को बेला फसल ले जा रहा है और इसका जो है इसको बेच के एक मानव तस्करी के रूप में कार्य करेगा, तो इस पर संवेदनशीलता बरते हुए तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर उसको हिरासत में। अब इसमें चूँकि जो पुरानी परंपरा और जो इनका जो चल रहा है वो तो बेसिकली इसमें गार्जियन ही रहते हैं इनके पीछे, माँ रहेंगे या बाप रहते हैं जो चूँकि इस कुरीति के उसमें हैं, तो इसमें हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कैसे भी जनजागरण अभियान में इसको शामिल करते हुए और ग्राम चलो जनसंवाद में इसको शामिल करते हुए इसको अवेयर करें, ताकि जो बच्चियाँ हैं हमारी वो स्कूल में जाएँ और अपना अध्ययन करें और शासन की जो योजनाओं का लाभ।